खतरनाक खतरनाक आवाजें आ रही भैया कोई रहा वाले यहाँ चूतिया बनाते हैं हम लोगों को। क्या लाजवाब मेट्रो है यार पूरी। भाई हमारा तो पोपट हो गया, चूतिया का कर दिया हमने। अपना पासपोर्ट निकालने के लिए हम लोग आ चुके हैं। हाँ जी, तो राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज तारीख है 3 मई और बज रहे हैं सुबह के 6। काफी दिनों के बाद ये व्लॉग आ रहा है, करीबन 3 हफ्ते बाद। या हम व्लॉग नहीं कर पाते क्योंकि कंटेंट ही नहीं मिलता। कोई कंटेंट क्या मिले यार, कहीं जाना वाना रहता नहीं है। अब निकलेंगे घर से बाहर थोड़े दिन बाद, यहाँ से जाएंगे अमृतसर, अमृतसर से जाएंगे घूमने इधर उधर सब जगह, तब बनाएंगे व्लॉग बढ़िया अपने। तो आज हम लोग यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, एक पासपोर्ट का मेरा थोड़ा काम है पासपोर्ट ऑफिस में। उसके बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, दिव्यांश हो गए, सत्येंद्र हो गए, इन लोगों से बहुत दिन हो गए भाई नहीं मिले। ये लोग वहीं लखनऊ पे रहने लगे हैं, तो इन लोग से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, व्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए। कोशिश करेंगे आज के व्लॉग में आपको पूरी मजा आए। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। 6:40 तक निकलेंगे। चलिए नहा धो के रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। कैसे आए ये दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहता था, और ना ही ये चीज यहाँ पर आप देखना चाहते होंगे। सीधा लेते हैं टोकन चेकिंग कराते हैं, उसके बाद आपसे सीधा मेट्रो पे मिलते हैं। ट्रिप चेकिंग थी भाई, मैंने लिफ्ट प्रोवाइड की हुई तो सीढ़ियों से क्या करें भाई, सीधा इसी से जाते हैं भाई, ये खुद को थकाएं। फाइनली पूरे 1.5 मिनट इंतजार करने के बाद हमारी मेट्रो आ चुकी है। चलिए इसको पकड़ते हैं, चलते हैं दिव्यांग भाई के पास पहले। भाई हमारा तो पोपट हो गया, चूतियापा कर दिया हमने। हमें जाना था इधर इस साइड और हमने पकड़ ली थी दूसरी मेट्रो। अब अगले स्टेशन पे उतरे हैं और जिस जगह पे जाना है उस मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरफ आएगी और ये है हुसैनगंज, ये अंडरग्राउंड बना हुआ है। अभी यहाँ पे 2 मिनट बाद आएगी हमारी मेट्रो, इसको पकड़ के हमें जाना है कृष्णा नगर और अपने दिव्यांश भाई से मिलना है। लेट में और लेट होते जा रहा है, जाना था कृष्णा नगर तो अब इधर से एक मिनट बाद आने वाली है कृष्णा नगर के लिए मेट्रो, वो पकड़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर जाते हैं, पहुँचते हैं दिव्यांश भाई के पास। और ये क्या, आ गई हमारी मेट्रो भाई, 1 मिनट भी पूरा इंतजार नहीं करना पड़ा, आ गई। चलिए चलते हैं इसके अंदर। क्या लाजवाब मेट्रो है यार पूरी लखनऊ वाली। नहीं ये दिव्यांश कहाँ है भाई, कहाँ घूम रहा था, इसको चलो मिलते हैं जल्दी, यहीं से उठाते हैं भाई। इसके चक्कर में 6 स्टेशन फालतू इधर आए हैं, अब ये है कहाँ पता नहीं कहाँ टहल रहा है। हेलो, देखें यहाँ से लें एग्जिट, दोबारा टोकन करवाएं, दिव्यांश को उठाएं, उसके बाद चलते हैं, ढूंढते हैं पहले दिव्यांश को कहाँ पे है। इंतजार कराने के बाद, काफी मशक्कत के बाद ये महाशय आ चुके हैं अब यहाँ पे। भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो यार, तुम्हारे चक्कर में 5 स्टेशन छोड़ के इधर आए। तो मेट्रो करते हैं बाय बाय और चलते हैं जल्दी से भाई अपने पासपोर्ट ऑफिस की तरफ। उसके बाद भाई कहाँ कहाँ जाए, सबसे पहले चलेंगे उसके बाद प्लासियो, उसके बाद नहीं पहले जू। बहुत ही अद्भुत व्यू सचिवालय का। भाई एग्जिट किधर है, वो उधर है एग्जिट, आप चलो। अपना पासपोर्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं लखनऊ, और ये अंकल के थ्रू उन लोग अपना काम करवा रहे हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा यहाँ के एजेंट। फोटो आ रही थी और एकदम खाली सुनसान और बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारा काम नहीं हो पाया है, 2 घंटे बाद काम होगा। थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं और ये मेट्रो फिर जा रहे हैं हम लोग घूमने। अरे फिर वही वाली भाई मेट्रो, भाई बढ़िया लग रहा है यार, पूरी मेट्रो स्पॉन्सर कर रखा है भाई लखनऊ ने। चलो लोग जाने वाले हैं भूत बंगला के अंदर, हॉन्टेड हाउस है भाई, चलो चलते हैं। मैं दिखा नहीं रहा, हट हट। आपको हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने में कैसा लग रहा है, कैसा फील आ रही है भाई? हम तो ओवर एक्साइटेड हैं, आप बताइए अपना। एक्साइटमेंट भाई बहुत ज्यादा है, बेल बजेगी तो अंदर जाना है। खतरनाक खतरनाक आवाजें आ रही भैया, कोई रहा? हाँ चलो बेल बज गई। अरे भाई
भाई भाई खत्म भाई। भाई 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 ए भाई अड्डी है। अरे साले ए चुड़ैल। अरे अरे कदम भाई। अरे ए क्या देख रहे भाई आराम से। दिव्यांश दिव्यांश कुछ भी हो सकता है यार कभी भी यहाँ पे। अबे यार खत्म ही नहीं हो रहा है ये भूत बंगला। ओए ये क्या देख रहा है भाई आराम से भाई देखना है यहाँ पे यहाँ देखना क्या हुआ। अरे यार भाई कोई पकड़ रहा है यार यहाँ बहुत ही खतरनाक है भाई बहुत ही रियलिस्टिक बनाया गया भाई। आराम से कुछ भी हो सकता है भाई। कहाँ पे हाथ हाथ कुछ नहीं दिख रहा है यार। आराम से भाई कुछ भी हो सकता है कभी भी भाई यार देखना भाई देखना कुछ भी हो सकता है कभी भी। बहुत बड़ा है यार ये क्या है क्या हुआ कुछ था क्या यहाँ पे क्या हुआ चलो भाई यहाँ से खत्म करो भाई सांसें बहुत तेज चल रही है धड़कने बहुत तेज चल रही है भाई बोलते नहीं बनना। चलिए कुछ चलते हैं खाते हैं पहले सबसे पहले पानी पीते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऐसा बहुत खतरनाक फील था यार दिव्या तुम्हारी तो हालत खराब हो गई भाई यहाँ शरीर से पसीने छूट गए। अरे बाप रे चलो यार पहले कुछ खाएं पिए उसके बाद मिलते हैं जल्दी से। ती वाले यहाँ चूतिया बनाते हैं हम लोगों को भाई। पहले बोला इन्होंने 7 मिनट सर 7 मिनट वेट करिए आपका ऑर्डर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ की कहानी बताते हैं। ये बकेट वाला सिस्टम ये यहाँ जितना प्राइस इन्होंने लिख रखा है सब विदाउट GST है। आप पहले जब पेमेंट करते थे विदाउट GST एंड विदाउट सॉस। हाँ विदाउट GST एंड विदाउट सॉस। तो जो प्राइस लिखा है आप इस पर मत जाइएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि सॉस लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर हाँ कहेंगे तो उसके कम से कम 150 से 180 रुपये आपके चिपका देंगे। उसके बाद उसमें GST भी फिर देंगे तो मतलब 300 वाली चीज़ आपको 500 रुपये में पकड़ाएंगे। उसके बाद ये बोलेंगे 7 मिनट सर फिर 7 मिनट अभी हम लोग 8 मिनट बाद गए तो ये बोल रहे हैं सर आपके लिए फ्रेश आता है इसीलिए 5 मिनट और हो जाएंगे। तो भाई टोटल हो गया यहाँ 15 मिनट और हमको लगता है अभी भी आया नहीं है ऑर्डर अभी भी नहीं आएगा। कम से कम 2-3 मिनट और वेट करना पड़ेगा। देखो कितनी देर भी वेट कराते हैं कब आता है हमारा ऑर्डर। प्रिय मित्र दिव्यांश भाई KFC से हमारा ऑर्डर लेके आते हुए कोक के साथ। दिव्यांश भाई आइए पधारिए भूख लगी है खाना दो। वाओ चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रिव्यू देंगे इसका। बढ़िया बढ़िया है भाई टेस्ट बढ़िया है हर चीज़ का टेस्ट बढ़िया है। क्या खा पी के भाई अब आराम से घूमते फिरते पूरा मान्यवर सामने। किसी को अगर भाई कुछ चाहिए हो शेरवानी ले लो सब ले लो। तुम्हारे भाई का नाम बता देना यहाँ सब सब लोग कहते हैं इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा 20% 30%। तुम्हारे भाई कह रहा है फ्री में मिल जाएगा भाई जाके नाम बता देना। तुम भी आके ले लेना यहीं से अपनी शादी के लिए। और फिर भाई कब शादी है तुम्हारी। और चलोगे दोबारा से ट्रेंड के अंदर भाई देख रहा यार ट्रेंड के अंदर की भाई वीडियो नहीं बनाई गई जो अपना आईफोन 14 लेने गए थे हम लोग मिल नहीं पाया सर। अबे दिव्यांश भाई तुम्हारी वाइफ की फोटो आ रही स्क्रीन में तो मैं कुछ नहीं चक्कर। अरे लड़के का खाए पी के पेट में भर के जा रहे हैं KFC के तब भरे पेट में पानी लेके जा रहे हैं लोग। चलो खा पी के और यार दिव्यांश एक यार यहाँ फोटो खींच दो भाई आएंगे दोबारा झरना के सामने एक फोटो खींच दे यार सस्ता झरना लेकिन झरना पता नहीं लग रहा मुझे। चाचा और किताब नहीं पेमेंट खींचा जाए बढ़िया सिस्टम है। एक बार आए रात में हम लोग यहाँ रात के 1:30 बजे पिक्चर का सोरा KGF लगी थी बढ़िया सिस्टम बढ़िया आंटी खींच दे जल्दी अंकल के दोनों बंजे खींची के भाई यार तुम कैमरा सामने शर्मा का जा सकता बताओ शर्मा का घर चल रहे हो सर फोन करके पूछो। चलो का बैक साइड और दिव्यांश भाई हमें एक्सप्लेन करेंगे यहाँ क्या क्या है बताइए भाई। सामने बार है अच्छा लैंप स्टूडियो सैलून है। हाँ तो चाचा देख के मुस्कुरा कह रहे हैं चाचा अभी ब्लॉगर को नहीं देखा क्या। हाँ तो आप बताइए ये यूनिसेक्स सैलून है यहाँ भाई। चलो और तुम्हें मसाज वसाज करा देते और ये अरे कैफे है भाई ये तो बढ़िया क्या फिर ऊपर बार है
बढ़िया तो है भाई, हमको अपने रूम में छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड से बतलाता होगा। देख लो भाई, दिव्यांश भाई भाभी से बात कर रहे हैं और अभी तक फेस रिवील भी नहीं किया ना नाम रिवील किया। कितने कितने खुशी से बात कर रहा भाई, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा बंदा भी। देख रहे हो सबको भाई, पता नहीं क्या बातें कर रहा है, इसके पास चले आ रहे हैं। देखो भाभी कह रहा आ रहे हैं, देख रहा है भाई खुशी देख रहे हो बंदे की, जा रहा भाभी तुमने प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ भाई। इसका शरीर का चेंचिस देख के लग रहा है भाई कोई गर्लफ्रेंड होगी इसकी, अपने घर में बात कर रहा है कि आए कि ना आए, घर वाले कह रहे हैं नाओ। हाँ हॉस्टल में कहा मम्मी नहीं ऐसी तुम ऐसी चल रहा नहीं तो बैग लियो फिर यहाँ चलो बताइए देखो पता कहाँ हुआ भाई पूरी कहानी यही बता डाले भाई। चलो यार बैग ले लो दिव्यांश भाई पहले कितना खुश है भाई घर जाने के लिए, कितना खुश है खेल दिया किसने मारा बोली बताओ आप दोनों ने, एक बताओ एक पहले किसने मारा। चलो इतना खाया पिया भाई सब हजम हो गया, क्यों भाग दौड़ इतनी पड़ गई भाई इतनी जल्दी, खाया पिया सारा हजम। फिर से चलेंगे क्या KFC? चलो दरवाजा खुल गया, अरे बारी गया भाई। पासपोर्ट कार्यालय, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, फ़ोन में बची है 2% बैटरी तो फ़ोन का कैमरा करते हैं बंद, वरना घर कैसे जाएंगे भाई, रास्ते में गाने सुनने काम आएगा। चलो घर पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं, आगे की पूरी बातें आप लोगों को घर पहुंच के बताते हैं।